बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ करें ना मेरे बहन भाई तेरे खुश रहें, बात रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सभी बिल्कुल ठीक ठाक आए। तेनू क्यों हासा आ रहा है? ए देखो जी, वो भी त्रै त्रै मक्खियां दी कातल परचा होंदा जी तेरे ते हुण कित्थे लैके चली है बेचारियां नू। आ चौथी भी तैयार है डिगण नू। ए वेखो वो तमाशा वेखदी पई इन्हां नाल की बन गया। फातिमा रानी आज की पका रही है, की बनाऊं है? मरच, खाली मरच, कोई शा होर नहीं पकानी? सब्जी है, सब्जी ले आओ पुत्र, की लेना की ने, की पकाना ने आज? शामी मंगानी। चलो फिर मैं असि ले आवांगे इंशाल्लाह। तक तुसी देखिया कि पिछली वीडियो दे विच आसिया नू मिले या कुछ गिफ्ट च पैसे, आसिया चली है शॉपिंग करन कपड़े वगैरह, ते नाले मैं आखे मैं भी बच्चों के जरा ना कपड़े शपड़े लाया, मैं जिक्रा और जो आख्या है तकरीबन त्रै साढ़े त्रै का टाइम हो चुका, टाइम भी थोड़ा है, वापस भी हटना है। एक तो यह आ कि कालीन वगैरह दूसरा बैठक में लगवाना है। काफ़ी सारे बहन भाई कमेंट आन कि तुसी पहले वेड़ा पक्का करवाओ तो फिर कालीन लगवाया जे। असल जिस तरह मैं तुम दस्या ना कि मेरे को किसी की अमानत आती है ना चीज़, फिर उस तरह मैं उन्होंने इस्तेमाल भी करना। अगर मैं अपनी मर्जी तो चला ना तो फिर अमानत समझो ख्यानत हो जाती है, क्योंकि एक सिस्टर है कि उन्हें पैसे को दिते हैं तुम दस्या भी दानश वास्ते, स्पैशली दानश वास्ते उन्हें आखिर दानश का कमरा जरा स्पैशल बना के देना है, जिस तरह भी हो जिन्ना भी खर्चा आए उसकी जिम्मेदार मैं हाँ। तो इस भाई जी मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता, मैं अगर अपनी मर्जी ना इनू दूसरा पक्का करवा लग जाओ ना फिर अमानत शानत हो जाती है। ओए काका, ओए काका, ये की लाई बैठा खाका? तस्वीर लाई फिरते हो? ओ वाह जी वाह, तो सिस्टर दी नाल तस्वीर है ली हमजा दी नाल उन्दे बच्चियां दी, वाह। एले फड़ झूले लाल कलंदर है। जिस तरह के पहले अल्लाह पाक ने सारा काम जरा क्लियर करवाया, इंशाल्लाह अल्लाह पाक दा हुक्म होया, अल्लाह पाक ने मंजूर होया ते बेड़ा भी पक्का होवेगा, छत भी पक्की करवानी है। ते बरांडा वगैरह तो असीं फिलहाल नहीं पा सकते क्योंकि जानवर अगां पिछे कढ़ने होंदे, उस पासे मेरा दिल है। जदों ही अल्लाह पाक ने गुंजाइश दी ना वह हवेली जिहड़ी ना समझो माल वास्ते रख देनी स्पैशली स्पैशली, तो उन्दे कोई बरांडा वगैरह पा के ना तो जानवर जरा ना अगर सर्दियाँ हुई तो सर्दियों फिर इस साइड से हो गए करे तो इस साइड खाली छड़ा लवेंगे, धुप वगैरह इस पास आ गई कर सी ना तो उन्हों का टाइम अच्छा खासा पास होया जाएगा। तो इतों चलो छोटी छोटी जी ना दीवार रख लवेंगे, जानवर इस साइड तो रहेंगे, बाकी वेड़ा इंशाल्लाह जरा ना पक्का करवा लवेंगे जिमें अल्लाह पाक सोने का हुक्म होया, इंशाल्लाह उस तरह फिर होंदा जाएगा नालों नाल काम। और एक होर बहन का या भाई का कमेंट आके हिम्मत करके जरा ना अम्मी का कमरा भाई का कमरा जरा ना वही प्लस्तर करवा लो। ए वेखो सारा ही जरा ना टोटली टोटली फ्रंट साइड जी ना प्लस्तर होने वाली है, बैक साइड भी, और पहला भाई वाला कमला कमरा तो ऐ वाला, ये दोनों कमरे समझो कि प्लस्तर होने वाले आ, और इन्हें भी समझो कि अच्छा खासा अजे पैसे लगने ने, लेकिन अजय फिलहाल जरा ना समझो कि इन्नी हिम्मत तो ठीक नहीं है। जिस टाइम ही अल्लाह पाक गुंजाइश देना कोई चार पैसे यूट्यूब बलवाण के कोई अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब लगावेगा इंशाल्लाह, तो फिर ये भी काम जरा ना वो जरूर करवा लवेंगे। है तो वैसे ना इंसाफ ही अम्मी और भाई और क्योंकि साडा कमरा भी हो गया अलहमदुल्ला प्लस्तर, तो दानश का भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक का हुक्म होया तो एक दो दिन जरा ना थानू उनकी बहुत ही प्यारी चेंजिंग जी ना नज़र आएगी। तो अम्मी का भाई का कमरा समझो कि रह गया इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने दी गुंजाइश, तो वह भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह। सानू हो गई भाई साहब काफ़ी सारी लेट, और क्योंकि जरा ना समझो कि अज एक जगह पर असी ऐसे फस गए जिते इन्ना ज़्यादा रश हैगा सी, करद्या कतरद्या जरा समझ लो कि अंधेरा पै गया, शाम हो गई, शाम भी अलहमदुल्ला हूँ नमाज पढ़ी है, सामने मस्जिद हैगी, पेट्रोल पंप हैगा और फिलहाल पेट्रोल नहीं दिलवाया, पेट्रोल दिलवाने तो फिर चलने घर, और पार्क वगैरह जरा लिया तो हूँ मतलब कि चलने घर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो घर पहुँच के तो फिर जरा ना थोड़े ना मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। असी हुण रुके जी एक होटल से, और इतों सिर्फ और सिर्फ रोटियां लै रहे हैं 100 रुपए दियां 5, क्योंकि आसिया ने जाके आख्या भी मेरे को जरा
ਪਕਾਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਾਲਣ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਮਝ ਲੋਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ ਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਪਾਉਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਲੀਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਣਾ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਰਵੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਖੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਗਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਆ ਦਾ ਸੂਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਸੀਆ ਦਾ ਸੂਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਸੀਆ ਦਾ ਸੂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਕਰਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੂਟ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਲਪੇਟੀ ਜਾਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸੂਟ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ ਇਹ ਹਾਲੀ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਿਲਕੀ ਸਿਲਕੀ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਸੀਆ ਦਾ ਸੂਟ ਵਾਹ ਆਸੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਸਲਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੌਂਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਚਲੋ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਸੀਆ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਫੰਟਾਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ
अल्लाह पाक सारा रिजक देने जाए आटा भी खाला होना ते कपड़े ले लो अपने सभी सर्दियां दे पड़े वा कोल कपड़े कोई नहीं तुसी ले लो जिक्रा सोना सूट है भी अच्छा हुण इस तो बाद दिखाओ जी बच्चों की शॉपिंग ए आ गए जी मम्मा दली दी शर्ट इस तरह दी है पसंद करदा है मम्मा दली सोहनी है शर्ट हैं सोहनी है ए देखो इस तरह दी और ए आला ट्राउजर आ गया इस तो बाद आ गया जी ए मेरा सूट इस तरह लबड़ा कोई ना मैं के चलो कर मन से नाल ही आई है मुखा तेरा ही नाल ही ले जावा चलो जी बहुत मेहरबानी थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया खाला शुक्रिया तेरा भी शुक्रिया जाए लेके दिता जी ने आखे ले ला और ए अगे आ गए जी अबू बकर दा सूट ते ए वाली शर्ट आ गए इस तरह दी शर्टा ने ठीक हो गया ना ए आ गया जी इकरा दा एस इकरा दा ए छोटी दा जी ए बैठी हुई है ए देखो तसल्ली ना तुसी ठीक हो गया ना ए भी जबरदस्त हो गया ए आ गया जी अगे निकड़ो दा सूट माशाल्लाह जी फंटास्टिक है ए ना लेंदे ए पजामा दानिश माई दा सूट नहीं लै आंदा क्योंकि उनकी पसंद कोई डिफरेंट होंगी है ता करके मतलब है उन्हें आखिया भी आप ही मैं जावगा लैके आवगा इस करके दानिश का फिर सूट असा नहीं लिया है चलो जी आपो अपने सूट कौंज लो ते तुम दसीए बई जी ये 3500 रुपया एक सूट का भाई साहब मंगते सी कर करा के असा जरा ना 2500 च ए दोनों सूट ले आ बाकी दूसरे जड़े हैं ना वो फिर डिफरेंट डिफरेंट है गए हैं 1500 का मेरा मिले घर दे चार तो पांच फर्दा नू जड़ा ना समझ लो कि आई वायरस के की इनू आई फ्लू कहंदे पे आ ये वायरस समझो कि चंबड़ चुकया है परजाई नू अली मम्मद नू ते अम्मी नू ते वड्डे भाई नू ते दानिश नू हुण मेरी अख ते ना समझ लो कि इस अख ते असर कर रहा है सवेर दी काफ़ी जड़ी ने इहदे विच जलन हैगी ते अल्लाह पाक दी खैर करे बाकी इंदी एहतियात ही होंदी है अगले करोना वायरस तरह बाकी दवाई शवाई फिलहाल कोई नहीं है दवाई जिन्नी असीं पाते पे ना दवाई ना ज़्यादा बिगड़ती जाती है अम्मी ने भी दवाई पाई है भाई ने भी उन्होंने ज़्यादा बिगड़ गया और मैं भी हूँ कोशिश करना कि दवाई वगैरह नहीं पाना इंदा कोई एहतियात होंदी है मतलब कि अंखा ते ला लो दूसरी ऐनक लगा लो और छट्टे वगैरह मारो बस इंदी यही एहतियात दस रहे ने बाकी अल्लाह पाक दी खैर करेगा ते अल्लाह पाक सब सब नू अपनी हिफ्ज़ो अमान च रखे आसिया ते रानी गए हुए सी घा वगैरह लैन बकरियां वास्ते ते डंगरां वास्ते लाभ गया कुछ अंग इस तरह तो सही है कि बकरियां शायद खा खू ही लगन सवेरे असा बकरियां छड़ियां ते उन्हां दी चलियां गईयां ना वेच दूसरे ज्वार दे ते फिर वह फड़ के अपने घर लै गया हूँ मैं आखे बन के जेड़ा ने इन्हां नूं घा बूट पाओ बेहतर है गया और कारपट वाले भाई साहब भी आ चुके ने पिंड आके फोन किया इन्हें तो करके मैं बाहर निकलिया तो उन्होंने मैं लै आवा क्योंकि उन्होंने पता ही कोई नहीं और अख मेरी जी मिनट मार फाइनली अलहमदुल्ला कारपेट भी लग गया ए चेक माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है दरवाजा मैं खोल के तुम दिखा दूँ लुक चेक करो जरा तुसी हाँ जी है तेरे बाबू का कमरा सजे कैसा लग रहा है सुने माशाल्लाह क्या बात है पसंद आया प्यारा है कल नू वेख के फिर पेपर जैसे लगे ना साइडा ते हाँ कदा नू फिर देखी तू इनकी शाइनिंग जबरदस्त हो जैसी है हाँ जी आसिया कैसा लग रहा है बड़ा सोहना हो गया हाँ बहुत प्यारा लग सी आज ले आने की सुबह ले आने की पेपर पेपर आले भी आज ही है सुबह इंशाल्लाह आ जाएंगे सुबह तो नाड़ा यो ना क्या भी है सुबह आल दे नाड़ हाँ इंशाल्लाह क्या हो दानिश भाई कैसा लाजवाब हो गया लाजवाब हो गया चलो अल्लाह पाक नसीब करे हुण इहदा तो ध्यान खुद करना है बच्चियां बुच्चियां का ठीक है ना क्योंकि वेड़े कच्चे हैं
सारी मिट्टी अंदर चाणी है। काफी सारे कमेंट मेरे मिलते पे इन ना बैड लैके दो, ए कारपेट ना बिछा के दो, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक बैड भी देसी ख्वाहिश नेक होनी चाहिए। अल्लाह पाक के घर बिच जड़ा ना कोई भी ख्वाहिश होवे नेक होवे अल्लाह पाक कबूल करता है, इंशाल्लाह बैड भी मिलेगा, लेकिन उस तो पहले एहतियात जरूरी है, इन तू खुद ध्यान करना है। जिस तरह सारी आवाम आई बैठी है सारे पैर गंदे पिले अंदर लै के खराब हो जाने घर पर, ठीक है ना, इन ध्यान तू खुद करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली दफा इत्थे नमाज पढ़ी है कालीन दे उत्ते, बड़ा ही मजा आया, ते दुआ भी की सारे दे हक के अल्लाह पाक जिन्हें दे तुफैर सानू दे रहा है अल्लाह जात पाक कदे भी उन्होंने किसी चीज़ की थोड़ ना देवे, ये सब कुछ अल्लाह जात पाक की तरफों है। और जेड़े भैन भाई साढ़े नाल जुड़े हुए हैं अल्लाह जात पाक उन्होंने हमेशा सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती देवे, ते उन्होंने हर कारोबार दे विच बरकतां पावे, आमीन। ते बड़ी खुशी की गल है और बहुत ही समझो कि एक मेरे वास्ते इस तरह लगता पे कि एक जन्नत दे विच समझ लो कि हाँ मैं इन्ना कुछ समझो कि एक मेरा ख्वाब सीगा ऐ सब कुछ हो जाएगा, मेरे ते वहमो गुमान विच नहीं आ। अल्लाह जात पाक का शुक्र अदा करने हैं और सारे भैन भाइयों जिन्हें साढ़िया समझो कि हैल्प की है, जिन्हें ने साडा साथ दिता है उन्होंने वास्ते असी दिन रात दुआ करने कि अल्लाह पाक उन्होंने हमेशा सलामत रखे और इनका बहुत ज़्यादा अजर देवे, आमीन। ते हुण एक थोड़ी जी प्रॉब्लम दिसदी भी है वो शायद तुहानू भी नज़र आ रही हो, ऐ वेखो ऐ सारी धुप नज़र आ रही है, ऐ इत्थे हुण पर्दा लवाना है, ये मेरे ज़हन च कोई नहीं आ, इंशाल्लाह अज इहदी कोशिश करना कि पर्दा भी लग जाए, बाकी रहेगा वाल पेपर वो भी लग जाएगा इंशाल्लाह, और फिर इहदी जिहड़ी ना असल लुक वेखण नू मिलेगी। ते जज़ाक अल्लाह जी बहुत मेहरबानी जिहड़े भैन भाई साडे नाल जुड़े हुए साडा साथ दे रहे, बच्चों ने भी माशाल्लाह मौजा लग गई ने, ऐ बच्ची कदे भी नहीं थले बैठी, हुण वेखो किवें खुशी खुशी बैठी हुई है, दुआ दुआ फातमा दुआ फातमा तो इत्थे रिड़दी भी रही है, आ जा आ जा आ जा, मोबाइल और मैनू दे जा, बिश आ जा आ जा, किन्नी मासूम जी है, कदे भी ये थले बैठी नहीं है, आज तो माशाल्लाह बैठी हुई है ना। असी गए सी शहर क्योंकि दोपहर तुहानू दस्सिया सी ना धुप सारी अंदर आ रही है, इस करके पर्दियां वास्ते गए सी और पर्दे अलहमदुल्ला लै आंदे ने, पर्दे लगा के ते फिर तुहानू दिखाने हैं, फिलहाल इस तरह खिलारियां में पता नहीं लगना कि किस तरह दे हैगे, ते बाकी अम्मी दा सूट लैंदा है एक वो भी तुहानू इंशाल्लाह दिखाने हैं, फिलहाल शाम की नमाज तकरीबन अजान होने वाली नमाज पढ़ के ते फिर इंशाल्लाह तुहाडे नाल शेयरिंग करने हैं। उस तो पहले अम्मी होरां ने बनाया कोई हलवा साढ़े आने तो पहले पहले सूजी वा सूजी का खत्म दिन चलो अलहमदुल्लाह पढ़ते असी लगा लेने और इस तरह के मतलब मिले सके, होर कलर है सी लेकिन मेरे ए ही पसंद आया, बाकी तुहानू किस तरह लगे जरूर तुसी कमेंट करके दसना, आपको अपनी है तो वैसे पसंद आती पर तुसी भी अपनी राय जरूर दे देना, है काफ़ी सारे लंबे है देखो थोड़े जे इन्हें फोल्ड करके ना इन्हों सूई नाल तरोपा लगा देवे, नहीं तो इस तरह ही बेहतर ने। उस तो इलावा जी दो मैट लेंदे आ, एक है वाला लेंदा है इतों मतलब है कि बंदा निकले इतने पैर जरा ना सुखा के फिर अगे आ सकता है, ठीक हो गया ना, ए वाला लेंदा है घुमा, ठीक है ना, ये असी रखा बाहर मट्टी वगैरह ताकि अंदर ना आवे, ए देखो और ए वाला तो सब तो महंगा मिलया ना तकरीबन है थोड़ा जहा है जी 3 फुट 3.5 फुट का टोटा ये 900 रुपए का मिलया, तो यह वाला 450 का परजाई भी आई है साड़ी सैटअप वगैरह वेखण, तो इनू की है साइकिल साइकिल ही है साइकिल जो है सही
कितनी इनकी उम्र होगी वड्डा सारा इन्हें तो निक्के जड़े नो साइकलां चढ़े वधे ते ये साइकिल ही मंगदा है। वाह जी वाह वेचो हूं आए ने जी हूं आए ने सारी दिन ते इन्हे रोला पाया जी साइकिल ही लैनी है। शाम तू पिछे आए ने ऐ ते चेक करो तुसी बिलकुल अंधेरा हो गया ते बहुत ही औखी मजदूरी आंदी जी। मैं तो आप खुद गया इन्हां दे नाल समझो दूसरे दिन दिहाड़ी। हां जी मैं क्योंकि खुद गया आसिया गई है इतना है। बहरहाल अल्लाह पाक अगे भी ख्वाहिश रखने आपे अल्लाह पाक पूरी करेगा इंशाल्लाह। हां जी ते रोंदा है इंज है ना जिवे पागल होंदे हां तो है कहला सारिया थोड़ा बस अल्लाह पाक देसी इंशाल्लाह। और आज का ब्लॉग साडा इथे एंड होंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग विच दी मुलाकात दुआएं जरूर याद रखे जी। खुदा हाफिज अल्लाह दी गबान अल्लाह पाक सब सलामत रखे खुश आबाद रखे आमीन सुभान।